पुलिस ने कर लिया प्राची को अरेस्ट और हो गई प्राची को जेल। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मिस्टर के यानी कि रणबीर और त्रिशा की शादी हो रही होगी, तभी प्राची की बेटी खुशी पूर्वी को फंसाने के लिए और राजवंश से पूर्वी को दूर करने के लिए किचन में जाएगी, जहाँ पर किसी को पता ना चले ऐसे खुशी अपने मन में बात करती हुई कहेगी कि इस पूरे खाने को मैं खराब कर देती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर आए हुए शादी में सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। जिन जिन ने पूर्वी और राजवंश की तारीफें की हैं, उन्हें समझ में आएगा कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये खुशी अपने मन में कहकर खाने को खराब करने की जहरीली दवा मिला देगी और जब शादी में आए हुए सारे लोग खाना खाएंगे, तभी सारे मेहमानों की हालत शादी में खराब हो जाएगी और हर कोई शादी में आया हुआ मेहमान जिसने खाना खाया है और सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे खांसी और वॉमिटिंग हो जाएगी, जहाँ पर तभी कोई कंप्लेंट करेगा और प्राची को फंसाने के लिए पुलिस वाले को कंप्लेंट करते हुए कहेगा कि मैंने यहाँ पर किचन में प्राची को मिलावट करते हुए देखा है। पूर्वी खुशी की माँ प्राची ने खाने में मिलावट की थी जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, इसलिए आप जल्द से जल्द मिस्टर के हाउस में आइए। तभी यशोंका पुलिस वाले जब प्राची को अरेस्ट करने के लिए मिस्टर के हाउस में आएंगे और पुलिस वाले सामने आकर प्राची को कहेंगे कि मिसेस प्राची, आपको सभी की तबीयत खराब करने के लिए और खाने में मिलावट करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। तभी यशोंका प्राची कहेगी मैंने कुछ नहीं किया। तभी पुलिस वाली को प्राची को अरेस्ट करने के लिए कहेंगे कि इसे अरेस्ट करो और पुलिस वाले प्राची को कहेंगे कि थाने में आकर बताना कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, जिसे सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे। जहां पर जब खुशी अपनी माँ प्राची को फंसते हुए और प्राची को अरेस्ट होते हुए देखेगी, तभी खुशी को काफी बड़ा शॉक लगेगा और खुशी अपने मन में कहेगी कि ये क्या हो गया, मैंने तो पूर्वी को अरेस्ट करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन मेरी मॉम प्राची को अरेस्ट किसने करवाया। जहां पर तभी पूर्वी घर के बाहर पुलिस वालों के सामने आकर पुलिस वालों को कहेगी कि मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है और मेरी माँ ऐसा करने के बारे में तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकती। तभी यशोंका प्राची पूर्वी को कहेगी कि पूर्वी तू फिक्र मत कर, जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए तू अपने राजवंश के साथ अच्छे से रह, मैं जल्दी आऊंगी। जिस यशोंका पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी, जहाँ पर जब मिस्टर के यानी कि रणबीर को पता चलेगा कि सभी की शादी में तबीयत खराब हो गई है और पूर्वी की मॉम को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए हैं, तभी मिस्टर के जब पूर्वी के पास आएंगे यानी रणबीर पूर्वी के पास आएगा और रणबीर पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी पूर्वी कहेगी कि यहाँ पर पुलिस आई थी और पुलिस वाले मेरी मॉम को अरेस्ट करके ले गए हैं, इसलिए आप प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। तभी यशोंका रणबीर पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को बचा लूंगा और उन्हें मैं जेल से बाहर ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास जल्द होगी। यह रणबीर कहकर जब पुलिस स्टेशन जाएगा और रणबीर पूर्वी राजवंश और पूरे परिवार के साथ पुलिस वालों को कहेगा कि आपने पूर्वी की मॉम को अरेस्ट क्यों किया है, तभी यशोंका पुलिस वाले कहेंगे कि हमें फोन आया था जहाँ से हमें पता चला कि फूड पॉइजनिंग आपके वहाँ हुई है, सभी लोगों की तबीयत खराब हुई है और वो और किसी ने नहीं बल्कि प्राची ने किया है, जिसे एक आदमी ने देखा था और उसी ने मुझे फोन किया और यही सबूत के बुनियाद पर हमने पूर्वी की मॉम को अरेस्ट किया, जिसे सुनकर रणबीर के होश उड़ जाएंगे। और लेकिन रणबीर प्राची की मुलाकात अब हो जानी चाहिए क्या नहीं और खुशी की वजह से उसकी माँ प्राची फंसेगी, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, रणबीर प्राची की या पूर्वी राजवंश की या खुशी राजवंश की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।